जय हिंद एवरीवन, बैठ जाए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नाउ अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली अगर आप नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, वर्ब, जितने भी हमारे रूल्स हैं वो सारे इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, राइट। और एग्जाम में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कवर कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सब्जेक्ट राधा है तो ये जो राधा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये अपने साथ जो वर्ब सेटिस्फाई करेगा सिंगुलर करेगा कि प्लूरल करेगा? सिंगुलर। ऑब्वियसली अगर एक है तो उसके साथ वर्ब भी एक के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए। तो राधा इज अ गर्ल कि राधा आर अ गर्ल? राधा इज अ गर्ल। क्यों? क्योंकि राधा एक थी, इसलिए हमने उसके साथ जो वर्ब लगाया वो भी क्या लगाया? सिंगुलर। गॉट इट? तो एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये बात हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में खाली दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन? नाउन और प्रोनाउन। इसके अलावा जिरंड भी हो सकता है और इन्फिनिटिव भी हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिरंड भी हो सकता है और इन्फिनिटिव। जिरंड मतलब वर्ब की, जिरंड मतलब वर्ब की एनजी फॉर्म, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर सबको? ठीक। अब पहला सेंटेंस है राकेश सिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट कौन? राकेश। सब्जेक्ट कौन है? राकेश। ये क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन। अब इसके साथ एक वर्ब आया है। वर्ब कौन? अब ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है? चलिए समझते हैं। ये क्या लिखा है? बुक। ये बुक जो है नाउन, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एस लगाना पड़ा। तो बेसिकली जब आप एक नाउन में एस या यस लगाते हो तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन। ये क्या है? रीड। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। अब ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। दिस इज प्लूरल वर्ब। देखो वर्ब के साथ उल्टा होता है। नाउन में जब आप एस यस लगाते हो तो वो क्या बनता है? प्लूरल। बट वर्ब में जब हमने एस लगाया तो ये क्या बन गया? रीड्स। मतलब वर्ब में जब आप एस या ईएस लगाते हैं दैट बिकम्स अ सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब बनता है बच्चों? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक सेंटेंस पता नहीं होगा तब तक उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब अग्री नहीं कर पाओगे। और एनडीए में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना वर्ब सेटिस्फाई करना होता है। इज दैट क्लियर? सो अब हमने ये सीखा कि वर्ब में एस या यस लगा के हम उसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर। और नाउन में एस या यस लगा के हम उसको क्या बनाते हैं? प्लूरल। क्लियर इतना? तो राकेश सिंग अ सॉन्ग की सिंग्स अ सॉन्ग? राकेश सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? अ सॉन्ग क्या है? किसका? मेन वर्ब का। अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका? मेन वर्ब का। दे सिंग्स अ सॉन्ग, सही है? सब्जेक्ट कौन? दे। सिस्टर ऑल ऑफ यू फर्स्ट। सब्जेक्ट कौन? मेन वर्ब कौन? सिंगुलर की प्लूरल? ये सिंगुलर है कि प्लूरल? बट ये लेगा क्या? सिंग्स होएगा कि सिंग होएगा? सिंग होगा? यस नो? ये बेसिक समझ में आ गया? मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? क्लियर इतना? बेसिक समझ में आया? नाउ रूल नंबर 1, ये क्या लिखा है? क्या होता है ये? एंड क्या होता है? चलिए समझते हैं। एंड के अगर दोनों तरफ अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला अ टीचर एंड अ फिलोसोफर, ये एक सब्जेक्ट है कि दो सब्जेक्ट है? कैसा सब्जेक्ट है ये? दो। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि एंड के दोनों तरफ जो दिए हैं उनके साथ हमने क्या लगाया? क्या लगाया? आर्टिकल। तो एंड के अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट मेंशनड होते हैं इन दैट केस जो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल। वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? और वो पहचान में कैसे आएगा? अगर एंड के दोनों तरफ क्या लगा होगा? आर्टिकल। और उस आर्टिकल से सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया? प्लूरल।
बट अगर एंड के दोनों साइड कॉमन सब्जेक्ट की बात हुई तो सब्जेक्ट एक हुआ कि दो हुआ? एक की दो. उन केस में हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा. अब उसकी पहचान कैसे होगी? आर्टिकल दोनों तरफ होगा कि सिर्फ पहले वाले में आर्टिकल होगा? सिर्फ एंड के पहले जो मेंशन होगा आर्टिकल सिर्फ उसके पहले प्लेस होगा. इज दैट क्लियर? अब क्या ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम आर्टिकल देंगे कि सेंटेंस देगा? सेंटेंस देगा. हमें अपना वर्ब सेटिस्फाई करना है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है, वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट नहीं होता. पहला सेंटेंस, द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैव कम. अब यहाँ पे एंड ने किसको किसको जोड़ा है? कोच और कैप्टन. क्या एंड के दोनों तरफ आर्टिकल है? सब्जेक्ट एक की दो? सब्जेक्ट एक की दो? कैसे पता? आर्टिकल एक है कि दो है? एक है. मतलब सब्जेक्ट क्या है? कॉमन. सब्जेक्ट क्या है? कॉमन. द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैव कम. हैव सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना. सब्जेक्ट कॉमन है तो वर्ब क्या होएगा? सिंगुलर होएगा. तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज कम. एरर किस पार्ट में? समझ में आया सबको? सेकेंड सेंटेंस, अ पोएट एंड अ टीचर. अब इस एंड ने अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए हैं कि कॉमन सब्जेक्ट लिया है? अलग अलग. कैसे पता? आर्टिकल दोनों तरफ है ना. मतलब सब्जेक्ट क्या हो गए? दो हो गए, प्लूरल हो गया. अ पोएट एंड अ टीचर इज स्टैंडिंग आउटसाइड. इसकी जगह क्या होएगा? आर स्टैंडिंग आउटसाइड. क्या हम इसकी जगह यहाँ पे टीचर के पहले ए नहीं हटा सकते? क्योंकि सेंटेंस ने हमें बताया है कि दो लोग हैं. हमें तो पता नहीं था ना, सेंटेंस ही हमें बताएगा हर एक चीज. एरर किस पार्ट में? क्लियर हुआ? थर्ड, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ लीडर. ओरेटर मतलब वक्ता. ओरेटर मतलब वक्ता, जो स्पीच वगैरह देते हैं, ओरेटर. अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन? सब्जेक्ट कौन? कॉमन एक सब्जेक्ट है कि चार सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. वॉज लिखा है सही है? अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट लीडर. अब क्या लीडर से पहले अ ग्रेट लगेगा दोबारा? जब एक ही इंसान की बात हुई है तो क्वालिफाई भी तो एक ही बार करेंगे. यस और नो? तो यहाँ पे अ ग्रेट क्या हो गया? एरर किस पार्ट में? क्लियर हुआ सबको? कॉपी करिए जल्दी. रूल नंबर वन सबको समझ में आया? नाउ रूल नंबर टू. क्या लिखा हुआ है? ईच एवरी आइदर नाइदर. ईच एवरी का मतलब प्रत्येक. ईच एवरी का मतलब प्रत्येक. ये किसके लिए यूज होता है? एक के लिए कि दो या दो से ज्यादा के लिए? दो या दो से ज्यादा के लिए. बट हम लोग इसको यूज कैसा करते हैं? इंडिविजुअली. यूज कैसा करते हैं? इंडिविजुअली. ईच और एवरी में डिफरेंस कोई बता सकता है? ईच और एवरी दोनों ही दो या दो से ज्यादा के लिए यूज हो सकते हैं, पर बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि ईच जो है वो आपका प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, बट एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है? एडजेक्टिव. सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडजेक्टिव. आप ईच ऑफ द बॉयज बोल सकते हो बट एवरी ऑफ द बॉयज नहीं बोल सकते. इज दैट क्लियर? तो एवरी के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है. एवरी के साथ ऑफ का यूज नहीं होता. डिफरेंस क्लियर है? ईच के साथ ऑफ का यूज होगा, एवरी के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा. नाउ ईच एवरी आइदर नाइदर. ईच और एवरी पता चल गया, इंडिविजुअली डिनोट करते हैं. आइदर का मतलब क्या हो गया? दो में से एक. आइदर का मतलब क्या हो गया? दो में से एक. नीदर का मतलब क्या हो गया? दो में से कोई नहीं. अब इनके बाद, इनके जस्ट बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? सिंगुलर कि प्लूरल? ईच एवरी आइदर नाइदर वन. इनके जस्ट बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है? सिंगुलर. क्या आता है बच्चों? खुद सोचो. ईच बॉय की ईच बॉयज? हम हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं ना. एवरी गर्ल की एवरी गर्ल्स? नीदर बॉय की नीदर बॉयज? आइदर टॉय की आइदर टॉयज? आइदर टॉय. क्लियर हुआ? रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ, सोचो, इमेजिन करो चीजों को. नाउन कैसा हो गया? सिंगुलर. जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? वर्ब भी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगा? सिंगुलर. इतना क्लियर? ईच चिल्ड्रन इज यूनिक. सही है, हर बच्चा यूनिक होता है.
ईच के बाद जो नाउन आया है सिंगलर है, सिंगलर है, क्या है चिल्ड्रन का सिंगलर, सही है सिंगलर है, क्लियर? नेक्स्ट, एवरी पीपल शुड पे अटेंशन टू देयर वर्क. एवरी के बाद जो नाउन आया है सिंगलर आया है कि प्लूरल आया है? पीपल सिंगलर की प्लूरल? प्लूरल. इसका सिंगलर? इसका सिंगलर? एवरी पीपल की एवरी पर्सन? एवरी पर्सन शुड पे अटेंशन टू देयर वर्क. हिज वर्क. हिज क्यों लगाया? क्योंकि जेंडर हमें क्लियर नहीं है, और जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम प्रायोरिटी किसको दे देते हैं? मेल जेंडर को. तो यहाँ पे देयर होएगा कि हिज होएगा? क्लियर सबको? लास्ट, नीदर गर्ल हैज कंप्लीटेड द वर्क, क्या आएगा? नीदर के बाद गर्ल नाउन सिंगलर की प्लूरल? सिंगलर. वर्ब सिंगलर की प्लूरल? सही है. बट अब इसी का एक्सेप्शन देखते हैं. अगर ईच एवरी आई ईच एवरी एवरी नहीं ईच आइदर नाइदर वन के बाद क्या आ जाए? क्या आ जाए? उसके बाद द हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, द हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माय, वी का, आर, ही का, हिज, शी का, हर, पजेसिव एडजेक्टिव. उस केस में जो नाउन होता है वो क्या हो जाता है? क्योंकि हमने क्या दे दिया? चॉइस. क्योंकि हमने क्या दे दिया? चॉइस. बट बात तो हम अल्टीमेटली एक ही कर रहे हैं ना उस चॉइस में. yes. Yes or no? तो जो वर्ब रहेगा वो क्या रहेगा? वर्ब क्या रहेगा? सिंगलर. इफ आई से ईच ऑफ माय फ्रेंड आर प्लानिंग द पार्टी, सही है? ईच के बाद क्या लगा है? ऑफ के बाद नाउन सिंगलर की प्लूरल? फ्रेंड की फ्रेंड्स? आर क्या हो जाएगा? ईच ऑफ माय फ्रेंड्स इज प्लानिंग द पार्टी. एरर बताएं जल्दी से. वन ऑफ द बॉयज हैज की हैव? वन ऑफ द बॉयज. वन के बाद ऑफ आया है इसलिए नाउन क्या है? बट वर्ब क्या हो जाएगा? अब क्लियर हो गया ये सबको? इसको जल्दी से कॉपी करें. अब इसका एक और एक्सेप्शन. अभी देखिए मेन रूल ये था पहला एक्सेप्शन, अब इसका भी दूसरा एक्सेप्शन समझते हैं. ईच आइदर नाइदर वन के बाद अगर ऑफ लगा है, द या पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद जो नाउन आ रहा था वो क्या आ रहा था? सिंगलर की प्लूरल? इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा. सिंगलर की प्लूरल? नाउन था प्लूरल. और अगर इसके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या दैट लग जाता है, अब इनके लगने से हमारा केस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. इनके लगने से केस क्या हो जाएगा? बदल रहा है. Who, which or that, ये ऐसे relative pronouns हैं जो अपने से पहले आने वाले antecedent के according अपना verb choose करते हैं. तो इनके पहले जो noun आया है वो singular है कि plural है? Plural है. तो इनके just बाद, mind my sentence, इनके just बाद जो verb आएगा वो singular होएगा कि plural होएगा? इनके जस्ट बाद आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल. इज दैट क्लियर? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रीड द सेंटेंस, वन ऑफ द गेस्ट हु हैज अटेंडेड द पार्टी वर कंप्लेनिंग अबाउट द मैनेजमेंट. नाउ लिसन, शुरुआत किससे है? उसके बाद क्या लगा है? नाउन क्या होना चाहिए? गेस्ट. प्लूरल है कि नहीं है? सही. आगे क्या लग गया? हु किसके लिए आता है? ह्यूमंस के लिए. सब्जेक्ट में ह्यूमंस के लिए. नॉन ह्यूमंस के लिए आता है हु? कौन आता है? विच या दैट. हु, अब हु के पहले जो नाउन आया है वो सिंगलर है कि प्लूरल है? सिंगलर है कि प्लूरल? अगर हमने यहाँ से हु हटा दिया होता तब ये हैज क्या होता? सही. तब ये हैज क्या होता? सही. अभी क्या लगा है? अभी क्या लगा है? तो अब हु के बाद जो वर्ब आएगा सिंगलर आएगा कि प्लूरल आएगा? सिंगलर की प्लूरल? हैज की हैव? ये किसकी वजह से आया? क्लियर? Who have attended the party? Were complaining? Were complaining? हमने क्या बताया था? इसके जस्ट बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, बट अल्टीमेटली कंप्लेन तो एक ही कर रहा था. कंप्लेन कौन कर रहा था? एक. Who attended the party? Attended the party तो सबने किया, बट कंप्लेन कौन कर रहा था? तो were complaining की was complaining?
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। सबको? यस मैम। पक्का? यस मैम। कॉपी। ये क्या लिखा हुआ है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, मतलब पेयर वाले कंजंक्शन, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये जो तीन कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि इनके बाद सब्जेक्ट मेंशन होता है, yes, yes, no? yes, इनके बाद क्या मेंशन होता है? yes, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग जाना है कि सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग जाना है? अब जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, इन दैट केस जो हमारा वर्ब सैटिस्फाई होगा, वर्ब विल बी सैटिस्फाइड या अग्रीड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट की सेकेंड सब्जेक्ट, फर्स्ट की सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, मतलब जो नियरेस्ट होगा, जो क्या हो जाएगा? नियरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला नीदर राधा नॉर हर फ्रेंड्स इज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, सबसे पहले ये बताओ पेयर क्या है हमारा? पेयर कंजंक्शन, पेयर कंजंक्शन क्या है? नीदर के बाद सब्जेक्ट कौन? नॉर के बाद सब्जेक्ट कौन? बट हमें देखना कौन है? राधा, हर फ्रेंड्स। हमें राधा से कोई मतलब नहीं है, हमारा सब्जेक्ट कौन है? अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? प्लूरल के अकॉर्डिंग ही इस होएगा कि आर होएगा? इसकी जगह क्लियर हुआ? नॉट ओनली द पेशेंट्स बट ऑल्सो द डॉक्टर वर्क हार्ड फॉर दिवाली सेलिब्रेशन। अब दिवाली सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं, और कौन मेहनत कर रहा है? डॉक्टर भी। अब यहाँ पे हमारा पेयर कंजंक्शन कौन है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो। सब्जेक्ट कौन? पहला सब्जेक्ट पेशेंट, सेकेंड सब्जेक्ट बट हम सेटिस्फाई किसके अकॉर्डिंग कराएंगे? पेशेंट्स की डॉक्टर? डॉक्टर। ये सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल? हमें इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर। अब इसके बाद जो वर्ब आया है, सिंगुलर आया है कि प्लूरल आया है? प्लूरल है ना। अभी बताया था वर्ब में एसीएस लगा के सिंगुलर बनता है, तो वर्क होएगा कि वर्क्स होएगा? वर्क्स। क्लियर हो गया? ये तो हुआ हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। किसकी बच्चों? जैसे अनलाइक, एज वेल एज, टूगेदर विद, इन एडिशन टू, राइट, हैबिचुएटेड टू, ये सब क्या हो गए? कंपाउंड वर्ड्स हो गए। अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड कंजंक्शन की, किसकी बात करते हैं? जैसे टूगेदर विद, अनलाइक, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अलोंग विद। अब इनके साथ भी केस क्या है? आपको इनके साथ भी सब्जेक्ट इसके पहले और सब्जेक्ट इनके बाद मिल सकता है। अब इस केस में आपका कौन सा सब्जेक्ट सैटिस्फाई हमको करवाना है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सैटिस्फाई करेगा कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? कोरिलेटिव कंजंक्शन में नियरेस्ट, मतलब सेकंड, और कंपाउंड कंजंक्शन में फर्स्ट, मतलब द वर्ब विल बी सैटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू, वर्ब विल बी सैटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला द चाइल्ड अनलाइक हिज ब्रदर्स आर डिसेंट, सही है? द चाइल्ड अनलाइक हिज ब्रदर्स आर डिसेंट, क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि कंपाउंड कंजंक्शन कौन है? अनलाइक। पहला सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, बट कंसिडर किसको करना है? हिज ब्रदर से कोई मतलब नहीं है। चाइल्ड सिंगुलर की प्लूरल? आर की इज। क्लियर? द क्लब मेंबर्स अलोंग विद द मैनेजर वॉज अरेस्टेड, सही है? सबसे पहले तो ये बताओ कंजंक्शन कौन? Along with.
अलोंग विद मतलब के साथ. नाउ सब्जेक्ट पहला कौन, सेकंड कौन, देखना किसको है. सेकंड सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है. सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल. वर अरेस्टेड की वाज अरेस्टेड, क्या हो जाएगा. क्लियर हुआ. वन थर्ड ऑफ द पीपल, वन थर्ड क्या है, फ्रैक्शन है. वन थर्ड क्या है, फ्रैक्शन. वन थर्ड ऑफ पीपल डैश किल्ड इन द मसाकर, क्या हो जाएगा. इसकी आर, चलो हम पास्ट में रखते हैं क्योंकि पास्ट है. वॉज की वर, चलिए वॉज की वर. कितने बच्चे कह रहे हैं वर होगा और वॉज. वन थर्ड ऑफ सिटी डैश डिस्ट्रॉयड, वर की वॉज. और टू थर्ड ऑफ पीपल वर, टू थर्ड ऑफ सिटी. चलिए समझते हैं. हम लोग कभी भी जब भी एक फ्रैक्शन या परसेंटेज दिया होगा, क्या दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा, हम अपना वर्ब इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं करेंगे. वन थर्ड या टू थर्ड्स, हम अपना जो वर्ब है वो सेटिस्फाई करेंगे होल नाउन के अकॉर्डिंग, जो हमारा कौन कौन है, पीपल, सिटी. मैं एक बात बताएं, पीपल क्या होता है, सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है. प्लूरल नाउन, तो इस प्लूरल नाउन का एक तिहाई भी क्या हुआ, प्लूरल ही हुआ. यस और नो. तो अब यहाँ पे क्या होगा, वन थर्ड ऑफ द पीपल आर किल्ड की वर किल्ड की वॉज किल्ड, क्या हो जाएगा, वर किल्ड. टू थर्ड, अब हमें मतलब टू थर्ड से नहीं है, हमें मतलब किससे है, पीपल से. टू थर्ड ऑफ पीपल वर किल्ड की आर किल्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वर किल्ड. वन थर्ड ऑफ सिटी, सिटी यहाँ पे सिंगलर है कि प्लूरल है, सिंगलर. तो सिंगलर का एक तिहाई भी क्या रहा, सिंगलर. क्या रहा, सिंगलर. वन थर्ड ऑफ सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड की वर डिस्ट्रॉयड, वॉज डिस्ट्रॉयड, क्या हो जाएगा, वॉज. टू थर्ड ऑफ सिटी, सिटी को ध्यान देना है कि टू थर्ड्स पे ध्यान देना है, सिटी को, जो होल नाउन है हमें उस पे ध्यान देना है, हमें फ्रैक्शन या परसेंटेज से मतलब नहीं है. तो टू थर्ड्स ऑफ सिटी वाज डिस्ट्रॉयड की वर डिस्ट्रॉयड, क्या हो जाएगा, वाज डिस्ट्रॉयड. समझ में आ गया सबको ये रूल, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में. अगेन इट कैन बी आस्क्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ नाउन प्रोनाउन को मान लो या अब वर्ब को मान लो. तो एज अ होल इसको हम क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. क्लियर हो गया सबको, कॉपी.